जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो एक कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो बच्चे, जो हमारा बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होना है उसको लेकर जो गाइडलाइन आई है उसको लेकर परेशान है कि क्या हमें जो कोविड वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है, यदि हम कोविड वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो क्या हम एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। ये जो आपको निर्देश दिया गया है, ये आपको सिर्फ सलाह दी गई है कि आप जो है अपने एंट्रेंस एग्जाम से पहले वैक्सीन जरूर करा लें, यानी कि ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन हम भी आपको यही कहेंगे, हम भी आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि अपना जो 30 तारीख से पहले पहले 30 जुलाई से पहले पहले अपना वैक्सीनेशन जरूर करा लें। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, किसी कारणवश आप यदि नहीं करा पाए तो आप अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। दूसरा है, जो हमारे बीएड के एग्जाम होने हैं, बीएड सेकंड ईयर के, फाइनल ईयर के, तो उसके लिए फिर से जो सेंटर हैं कुछ सेंटर चेंज हुए हैं, यानी कि लगभग 5 से 6 सेंटर चेंज हुए हैं। तो जो सेंटर चेंज हुए हैं वो मैंने अपने फेसबुक पेज पर और आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, यानी कि जो हमारे बीएड के एग्जाम होने हैं बीएड सेकंड ईयर के, तो उसके कुछ सेंटर चेंज हुए हैं। अब आगे बात करते हैं जो हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो साथियों, रिजल्ट जो हमारा डिक्लेयर हुआ है वो हुआ है हमारा बीए एलएलबी का थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, वो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बाकी जो कोर्सेज का रिजल्ट है वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर इस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।